हजरत बिलाल अबशी रदी अल्लाह ताला अन्हो के जिम्मा था नबी पाक अलैहिस्सलाम के मेहमानों की देखभाल। और ये देखें कितनी बड़ी सआदत है, हुजूर ने सारे मामलात की कुंजियां ही सैयदना बिलाल अबशी को अता फरमाई रदी अल्लाह ताला। हजरत बिलाल को पता था पैसा कहां से आना है, कहां लगाना है, क्या करना है। मेहमान आते थे तो आपको पता है हुजूर का फकर मुबारक इख्तियारी है, पसंद है नबी पाक। एक यहूदी था, बल्कि यहूदियों का आलिम था, उसने एक दिन हजरत बिलाल अबशी से कहा कि मुझे पता चला है कि आप हुजूर के मेहमानों के लिए सारे बंदोबस्त करते हैं और बाज़ोकात आप कर्ज भी लेते हैं, तो मेरे पास कुछ इजाफी पैसे पड़े होते हैं, मुझसे कर्जा ले लेना। हजरत बिलाल ने कहा ठीक है, कर्जा उससे ले लिया, एक मुकर्रा मियाद, एक वादा उसके साथ तय हो गया। सैयदना बिलाल अबशी रदी अल्लाह तआला ने वो पैसे ला के मेहमानों पर खर्च कर दिए। अभी उस वादे में ना पैसे लौटाने में कुछ दिन बाकी थे। नबी करीम अलैहिस्सलाम सैयदना फारूक आजम चंद और सहाबा मदीना मुनव्वरा के एक चौक में मौजूद थे, तो वो यहूदी मुतालबा करने आ गया। आपको मेरी पूरी बात की समझ आ रही है? यानी अभी जो मुआहदा है, जो तयशुदा तारीख है, उसमें दिन बाकी हैं। उसने आके कहा मेरे पैसे दें, तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया अभी तो वादे में वक्त बाकी है। उसने माज़ल्ला सख्त बातें करनी शुरू कर दी, सख्त। अब आपके पास दलील भी हो, आप सच्चे भी हो, वादे में टाइम भी हो, तो किसी की सख्त बात सुनी जाती है? और जहां भाई वादा आएगा तो देखी जाएगी तेरी इतनी जरूरत। अब जब उसने सख्त बात की तो सैयदना उमर फारूक ने तलवार पे हाथ रखा। हजरत उमर उमर है ना, शेर है ना अल्लाह रसूल के, हाथ रखा तलवार पर। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया उमर जल्दी ना कर, बड़ी बुर्दबारी से, हलीमी से, इत्मीनान से, सुकून से। हुजूर फरमाने लगे उमर उसने पैसे लेने हैं, वो मुतालबा कर सकता है, तुम्हें चाहिए था कि तुम उसे कहते जरा नरमी कर, मुझे कहते पैसे अदा कर दे। हुजूर फरमाने लगे अब इस तरह करो, इसके साथ जाओ, फलां जगह खजूरें पड़ी हैं, जितना इसका कर्ज है उतनी खजूरें तोल के दे दो, और ये जो तुमने तलवार पे हाथ रखा है ना, इसे डराया है, थोड़ी खजूरें ज्यादा भी दे देना। आपका बुर्दबार होना, हलीमुत्तबा होना, मिजाज में ठहराव होना, सुकून होना, ये बड़ा बंदे को ना वजादार बना देता है। आप हर शख्स के लेवल पे उतर कर झगड़ा ना करें। मैंने देखा है सियाना बयाना आदमी बच्चों के साथ बहस कर रहा है, समझदार आदमी होके एक नादान से गुफ्तगू कर रहा है। मैंने शायद पहले भी आपसे कहा था कि मेरा एक फतवा है, उससे इख्तलाफ भी किया जा सकता है। मेरा फतवा यह है कि मियां बीवी के झगड़े में अक्सर कसूर मियां साहब का होता है। हो गए होना नाराज, लग पे होना कूरन। हाँ हाँ मैंने पता सी, ये जितने ही फतवा दिते उथे ही हाल होया। मियां बीवी के झगड़े में ना ज्यादातर गलती मियां साहब की होती है। क्यों भला? इसलिए कि औरत बिचारी की अकल नाकस है, उसकी आदी है, वो पूरा सोचना भी चाहे तो शौरी ताकत इतनी बुलंद नहीं, तो मियां साहब की तो पूरी है ना, तो फिर झगड़ा खत्म किसने करना था? तो जे मियां साहब आखन तेनू आज ठीक करके ही छड़ दे, तो ये तो गलत बात है ना भाई। आप ये देखें कि अल्लाह तबारक व तआला ने मर्द को औरत पर अफसर बनाया है। आपको चाहिए था आपका हौसला भी बड़ा होता, आप दलेर होते, बड़ी सारी गलतियां दरगुजर करते, मोहब्बत का लहजा इख्तियार करते, आपको ये हक हासिल नहीं था कि आप बेजा सख्ती करते। आपकी तवज्जो है मेरी बात पर? नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कमाल बुर्दबारी के साथ फरमाया कुछ ज्यादा भी, हजरत उमर साथ ले गए, खजूरें तोल तोल के दी। हजरत उमर कहते हैं अब हुजूर का हुक्म था, थोड़ी ज्यादा भी दी, लेकिन वो सैयदना उमर के मिजाज में जलाल था। फरमाते हैं वो मुझे कहने लगा उमर एक बात करनी थी, कहते मुझे गुस्सा था, मैं उसको पर नरमी कर ही नहीं रहा था। मैंने कहा जी क्या बात करनी थी, खजूरें ले जाएं, आपका काम हो गया? कहते हैं वो कहने लगा उमर मेरे दोस्त मेरे ऊपर सख्ती ना कर, मेरा मसला समझ। मैंने कहा वो क्या? कहने लगा मैं यहूदियों का आलिम हूं, तौरात जानता हूं, मैंने ना तौरात में
आखिरी नबी अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम की जितनी शाने पड़ी थी ना, वो सारी रसूल पाक में मौजूद है। एक शान मैंने ये हुजूर की पढ़ी थी कि वो बड़े हलीम होंगे, बड़े बुर्दबार होंगे, उनके मिजाज में कमाल हौसला होगा, और जितना जितना कोई जहालत करता जाएगा महबूब की बुर्दबारी उतनी बढ़ती जाएगी। उमर मैंने जानबूझ के कर्जा दिया था, बाकी सारी शाने देख ली थी, ये मैं देखना चाहता था। मैंने कर्जा भी जानबूझ के दिया, वक्त से पहले भी जानबूझ के आया, सख्त बातें भी माज अल्लाह की, लेकिन जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बुर्दबारी, हौसला और वजादारी देखी तो उमर अब तू मेहरबानी करना, मुझे ले चलना, ले चलना, मुझे नबी पाक से माफी भी लेके दे दे और रसूल पाक का कलमा भी पढ़वा दे। मैं तेरिया वेख के अदावा ते मुरीद हो गई। अब ना ये हिल्न, ये बुर्दबारी, ये कमाल, ये वजादारी, ये ठहराओ, ये हुस्न, ये ताजगी, ये रसूल पाक की अजमतों की बुलंदियां, मेरा तो दिल करता है अब कुर्बान हो जाऊं हुजूर की हर हर अदा पर। कुर्बान थोड़ा ना मिजाज में बुर्दबारी लाए, हौसला लाए। कोई जरूरी है हर सवाल का जवाब हमने ही देना है? नहीं समझ आई बात की? कुछ जरूरी है कि जो बंदा जो बात करेगा हम उसकी सतह पे उतरेंगे? मैं तो उन्हें पूछ लेना है, कईयां नू नहीं भी पूछीदा। नहीं समझ आई? कुछ को कहीदा है जा भाई। मैं अक्सर दोस्तों से कहता हूं सारी अदालतें खुद न लगाओ, एक अदालत कयामत वाले दिन भी तो लगनी है ना। कुछ फैसले उस अदालत पे भी छोड़ दो, कुछ चीजें अल्लाह तबारक का वताला की बारगाह पर छोड़ दो। हमारा एक तो इस्तकामत का मिजाज नहीं, दूसरी बुर्दबारी नहीं, और तीसरी बात, बस इसी पर मैंने अपनी बात को समेट देना है, तीसरा हमारा मसला यह है कि हमें ना सिर्फ अपने जज्बात का एहसास है। अल्लाह करे इतना बड़ा और इतना खूबसूरत इज्तिमा है आज, मैं अपनी और आपकी कुछ तरबियत कर पाऊं। खुदगर्ज होते हैं वो लोग जो सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, खुदगर्ज होते हैं।